छतरपुर के बड़ा मलेहरा विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने में भ्रष्टाचार की सरकार चलाई। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को कपट पत्र बताया और कहा कि पहले भी कमलनाथ ने जनता से झूठे वादे किए और उन्हें पूरा नहीं किया। इस दौरान शिवराज ने एक महिला को मंच पर बुलाकर उसके पति के एक्सीडेंट में मृत्यु पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बक्सवा में चुनावी सभा करने आए सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने सरकार चलाई, लेकिन सरकार नहीं जमकर भ्रष्टाचार की सरकार चलाते रहे। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को कपट पत्र करार दिया। उन्होंने कहा कमलनाथ झूठे वादे करते हुए पहले जनता को लालच दिया और फिर उनसे किए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा प्रद्युम्न सिंह जब कमलनाथ के पास बड़ा मलेरा के विकास के लिए जाते थे, वह उनका काम करने की जगह चलो चलो कहकर भगा देते थे, इसलिए कांग्रेस के 26 विधायकों ने कांग्रेस की सरकार को चलता कर दिया। सीएम के मंच पर उस समय अजीब सी स्थिति पैदा हुई जब एक महिला को सीएम ने मंच पर बुलाया और उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसे हर संभव मदद का आश्वासन देकर उसको गले से लगा लिया और महिला भावुक होकर रोने लगी। पुराना वचन जब पुथन में धरा है, प्रेस और मीडिया भी देख ले कितने वादे पूरे किए, वो पूरे नहीं किए। और अब नया वचन पत्र ले आए कि हम तो स्वर्ग को जमीन पे ही उतार देंगे। फिर से नया ले आए, ये इनका वचन पत्र नहीं है, इनका कपट पत्र है। कपट पत्र एक्सीडेंट होगा तो भाई साहब मैंने धोखा में संगरा करो जंगली जानवर मोटरसाइकिल खाली सो मैंने दो दो ही गया पैर से उनकी मांड की नस जाना सब खराब हो गई। अब गए भोपाल का मिल गया सो मैंने वो तो ऑपरेशन हुआ तीन तीन, अब कोई माँ से कोई लिखा तो नहीं मिली सो अब कछु काम ही नहीं बना कचाने तो अब जो कछु दे दे सारा काश ले ले नया आदमी है तो चलोगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।